हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपके लिए मैं मेकअप लुक लेके आई हूँ, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, बहुत ही कम प्रोडक्ट में आप करवा चौथ के लिए इस तरीके से मेकअप कर सकते हो और रेडी हो सकते हो। तो चलिए कैसे करना है सब कुछ बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो मैंने यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है मार्क का, बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर है। तो मेरी स्किन पर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, तो मैं कुछ कंसीलर, फाउंडेशन, कलर करेक्टर कुछ भी यूज़ नहीं कर रही। अगर आपको पिगमेंटेशन है तो आप ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ कीजिएगा, उसके बाद से सेम कलर अपने फेस से मैच होता हुआ कंसीलर, उसके बाद आपका फिर अपने शेड से एक दो शेड लाइटर कंसीलर, उसके बाद आप कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कीजिएगा। तो मैं डायरेक्ट कॉम्पैक्ट पाउडर से यहाँ पे मेकअप स्टार्ट करी। अगर आपके फेस पे भी कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा तो आप इस तरीके से रेडी हो सकते हो, जैसे कि मैं हो रही हूँ। फेयर एंड क्लियर स्किन के लिए मेकअप लुक है। तो यहाँ पर मैंने पहले कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लिया फेस पर पूरा फेस पाउडर, उसके बाद मैं अपने आईब्रोज तो इस तरीके से मैंने अपने आईब्रोज को फील किया था, अच्छे से लाइन ड्रॉ की थी और अच्छे से पेंसिल को लगा लिया था दोनों तरफ से एकदम सेम, बिल्कुल बराबर में करते हुए इस तरीके से पेंसिल से आईब्रो को फील कर रही हूँ। ओके, तो इस तरीके से अच्छे से शेप देने के बाद से मैंने लिया था ये वाला ब्रश और अच्छे से मिक्स कर दिया था इसको, ताकि मेरा जो आईब्रो है वो नेचुरल दिखे। तो इस तरीके से मिक्स करने के बाद से मैं यहाँ पे लूँगी, अच्छे से मिक्स करना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी, आराम आराम से, कहीं आपका कलर इधर उधर ना लग जाए। उसके बाद क्या करना है आपको, लेना है यहाँ पे ब्लशर, तो पिंक कलर का ब्लश लिया। ब्लश के बिना तो हमारी ब्यूटी बिल्कुल अनकम्प्लीटेड दिखती है, तो अपने लुक को और भी ज़्यादा खूबसूरत करने के लिए मैंने लगाया है यहाँ पे भर भर के ब्लश। तो ब्लश लगाने के बाद से मैंने लिया हाइलाइटर एंड थोड़ा थोड़ा सा हाइलाइटर लगाया। हाईलाइट ना करो तो आपकी जो मेकअप लुक होती है वो नेचुरल नहीं लगती है, एंड हाइलाइटर के बिना जब तक आपका स्किन फेस साइन नहीं करेगा तब तक बात नहीं बनती ना। तो चलो हमने यहाँ पे हाइलाइटर भी लगा लिया है। अब हाइलाइटर लगाने के बाद से मैं यहाँ पे ले रही हूँ आई मेकअप के लिए आई शेडो पैलेट लेने गई थी, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे मैं दिखी नहीं उसके लिए। तो मैंने यहाँ पे आई शेडो पैलेट में से रेड कलर का आई शेडो लेके इस तरीके से अपने पूरे आई लेड पर लगाया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे सॉरी कस्टमर आ गए थे तो मैं चली गई थी, फिर मैंने उन लोग आईब्रो कस्टमर आ गए थे आईब्रो बनाया, उसके बाद से मैं दोबारा से अपने मेकअप पर कंटिन्यू हो गई। एंड मैंने यहाँ पे ग्लिटर लगाया था पिंक कलर का, और इस तरीके से ग्लिटर लगाने के बाद से मैंने लैक्मे 9 to 5 का मस्कारा लगाया, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा वाटरप्रूफ है। इसका मस्कारा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट इसके लाइनर की बात करें तो मुझे लाइनर ओके लगता है, वाटरप्रूफ तो है बट इजीली अप्लाई नहीं हो पाता है, इसलिए मुझे पसंद नहीं है लैक्मे 9 to 5 का लाइनर, लेकिन मस्कारा बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने लगाया था लिपस्टिक, रेड कलर की बुलेट लिपस्टिक है, मॉइस्चराइजिंग है, ये वाटरप्रूफ नहीं है, ट्रांसफर्ड होती है। इसको वाटरप्रूफ बनाने के लिए आप इस पर कॉम्पैक्ट पाउडर से इसको सेट कर सकते हो, तो ये वाटरप्रूफ हो जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगी आई लाइनर लगाऊँगी। लाइनर लगाने के बाद से मैंने अपना हेयर स्टाइल किया था, हेयर स्टाइल के लिए मैंने यहाँ पे छोटा सा पफ बनाया था, उसके बाद दोनों ईयर के पास से हेयर को उठाया और इस तरीके से पफ के ऊपर रखा है, और बैक में बॉबी क्लिप से इसको सेट कर दूंगी कुछ इस तरीके से। फाइनल लुक देखने के लिए एंड तक वीडियो वॉच जरूर कीजिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लुक आया था। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्लिप लगा लिया, दूसरी साइड भी इसी तरीके से हेयर को उठाया है, अच्छे से कॉम किया है। अगर आपके बेबी हेयर ज़्यादा दिख रहे हैं, फिर साइड साइड में हेयर फॉल होने की वजह से जो हेयर निकल जाते हैं उसको आप हेयर सेटिंग स्प्रे से सेट कर सकते हो, जैसे कि ये हेयर हैं इनको अगर आपको नहीं निकालना है तो हेयर सेटिंग स्प्रे से सेट कर लीजिएगा। पीछे की वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे सेट करना चाहिए, हेयर सेटिंग स्प्रे को कैसे यूज करना चाहिए। तो मैंने अपने छोटे छोटे बालों पर झड़ गए हैं मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने यहाँ पे रबड़ बैंड लगा लिया है एंड एक डोनट बन लूँगी और इस तरीके से लगा लिया। बहुत प्यारा सा बन यहाँ पे बन के रेडी होने वाला, साड़ी के लिए बेस्ट रहेगा। फिर इस तरीके से सारे बालों को फैलाया है एंड एक पतला वाला रबड़ बैंड लेके इस तरीके से लगा दिया है। उसके बाद जो हेयर बचे हुए हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पहले यूपिन की मदद से इसको अच्छे से सेट कर लेंगे अपने डोनट बन को चारों तरफ से। ओके, अब 2 पार्ट्स में बचे हुए हेयर्स को डिवाइड करेंगे और इस तरीके से सिंपली दोन बन के चारों तरफ लपेट के यूपिन से सेट कर देंगे। फिर दूसरी साइड के हेयर को लेंगे और अच्छे से यूपिन लगा देंगे, और जो फाइनल लुक था वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक वॉच कीजिएगा। ओके, तो इस तरीके से लगा लिया है। अब जितने यू पिन्स के आपको लगे की ज़रूरत है उतना आप यूज कर लीजिएगा और अच्छे से बन को सेट कर लीजिएगा। इसके साथ आप गजरा अटैच कर सकते हो अपने करवा चौथ लुक को और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाने के लिए, बट मेरे पास गजरा नहीं था तो मैंने नहीं लगाया था और ऐसे ही यू पिन से इसको सेट कर दिया था। ये फाइनल लुक है मेरा, थोड़ा थोड़ा बालों को खींचेंगे और खींच के पफ का लुक देंगे। अब मैं ज्वेलरी पहनूंगी, तो ज्वेलरी के लिए पहले मैंने ये वाला इयर रिंग्स ट्राई किया था तो ये भी अच्छी लग रही है। अगर आपको कोई और ज्वेलरी नहीं है तो आप इस तरीके से इयर रिंग पहन के और सिम अपने लुक को कंप्लीट कर सकते हो, बट पूरा हैवी ज्वेलरी पहननी है तो वो भी मैं दिखा दे रही हूँ पहन के आपको। तो इस तरीके से इसको पहना था,
इस पे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, बट मुझे थोड़ा सा गले वगैरह का सेट भी डालना था, तो मैंने इसको निकाल दिया था। फिर दोबारा से मैं गले वगैरह का सेट डालूंगी। पर मैंने ये वाला गले का सेट लिया था, फिर ये इयररिंग्स जो है इस वाले सेट के साथ मैच नहीं होती थी, फिर मैंने ये वाली इयररिंग्स निकाल दी और इसके साथ जो मैचिंग इयररिंग्स थी वो लगाऊंगी। तो ये इसकी इस सेट के साथ ही मिली थी मुझे इयररिंग्स, तो मैं ये वाला यहाँ पे अप्लाई कर ले रही हूँ, सॉरी लगा ले पहन ले रही हूँ कानों में। तो ये मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही थी, आपको कौन सी अच्छी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये वाला मांगटीका इसके साथ ही मिला है, तो इसको मैंने इस तरीके से लगा लिया था। देन दूसरे वाली इयररिंग्स को ढूंढ रही हूँ मैं, मिल नहीं रहा था मुझे, तो उसी में था लेकिन मिल नहीं रहा था, फिर मैंने ये वाला इयररिंग्स मिल गया और फिर मैंने इसको भी पहन लिया और जो फाइनल लुक था वो कुछ इस तरीके का आया था। इसके बाद जैसे पल्लू लेंगे, चूड़ी अटैच कर लो, ये वाले भी मांगटिका था मेरे पास, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा हैवी लग रहा था मेरे लुक के हिसाब से, क्योंकि मैंने मेकअप बहुत ज़्यादा हाई नहीं किया है, बहुत ही लाइट मेकअप किया था, तो वो हैवी मेकअप के साथ सूट करता। तो इस तरीके से मैं रेडी हुई थी और पल्लू रखने के बाद से कुछ इस तरीके का लुक आ रहा था। इसके साथ आप नथिया भी डाल सकते थे क्योंकि, और इसके साथ सेट के साथ ही ये हाथों का ये था रिंग, तो मैंने ये पहना था, ये मेरा ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का रिंग था तो उसको भी मैंने पहन लिया था। एंड मैं बहुत ज़्यादा पार्लर में कस्टमर थे इसकी वजह से मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी, तो इग्नोर कीजिएगा। अभी मैंने नेल पॉलिश भी नहीं लगाया है, तो इसको मैं बाद में लगाऊंगी। जो फाइनल लुक था कुछ इस तरीके का था। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा, वीडियो अच्छी लगी हो। बन हेयर स्टाइल लेके कुछ इस तरीके का बना था तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आई मेकअप देखिए कुछ इस तरीके का लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको? पल्लू रखने के बाद कुछ ऐसा लुक आ रहा था। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो और लुक मेरा कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने दो तीन छोटी छोटी वीडियोज ली थी तो मैंने इसी वीडियो में ऐड कर दी ताकि आप भी देखोगे कैसी लग रही थी मैं। तो कैसी लग रही हूँ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। आई होप कि अच्छी ही लग रही होंगी विदाउट मेकअप, मतलब विदाउट मेकअप ही बोलोगे इसके, सिर्फ कॉम्पैक्ट पाउडर हाईलाइटर एंड ब्लशर के साथ मैंने अपना पूरा मेकअप लुक कम्प्लीट किया है। तो अगर आपके मेकअप पे भी आपके फेस पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है तो आप इस तरीके से मेकअप कर करके रेडी हो सकते हो और कहीं भी जा सकते हो, पार्टी वेडिंग हर जगह, और आपको फिर मेकअप रिमूव करने का भी झंझट नहीं रहेगा। तो इस तरीके से पल्लू में ऊपर नीचे करके देख रही थी कहाँ पर अच्छा लग रहा है, एंड बैक से कुछ इस तरीके का लुक आ रहा था पल्लू के साथ। और ये साड़ी जो है ये बहुत पुरानी है एंड लेकिन वीडियो में काफ़ी अच्छी लग रही थी तो मैंने चेंज नहीं की। इसको भी मैंने मीशो से लिया था, काफ़ी अच्छा कपड़ा भी है इसका, बहुत लॉन्ग टाइम से मैं इसको पहन रही हूँ और ख़राब नहीं हुआ है ये अभी तक, तो आप भी चाहो तो ले सकते हो। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से बाय कर लोगे ईजिली। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि किसी तरीके की नई वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। वीडियो को भरपूर लाइक दीजिएगा, प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो कि जिनको बहुत ज़्यादा मेकअप पसंद ना नहीं है वो इस तरीके से मेकअप करके अपने लुक को कम्प्लीट कर सकते हैं एंड खूबसूरत दिख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग सेकंड चैनल पे। सिलाई से रिलेटेड ऑल वीडियोज देखने के लिए मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। इंस्टा आईडी 24 है तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। बाय बाय।